बच्चों के साथ जिस तरह का दुष्कर्म करने की मानसिकता किसी किसी व्यक्ति में है, उसको बदलने के लिए हमारा पॉक्सो एक्ट एक्चुअली बन चुका है। प्रॉब्लम यह कि हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक तो जागरूकता हो, दूसरा मैंने शायद जिस दिन ये घटना हुई से एक दिन पहले ही पुलिस कमिश्नर को अपने पास बुलाया था हमारे ऑफिस में और उनसे बात किया था कि आप एक तो पुलिस सेंसिटाइज करें, दूसरा बीट ऑफिसर जितने भी हैं वो हर गली गली में बीट ऑफिसर के पास दो या तीन चार गलियां होती हैं, वो उसमें सभी को जानता है। हर हफ्ते वो बीट ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर सगरा सकते हैं उनके साथ, प्लस जो एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रोमिनेंट फिगर है, वेलफेयर एसोसिएशन है, जो भी कोई टीचर है, कोई अपने आप मर्जी से जो सोशल वर्कर है वो आना चाहे उसमें रहे और हर हफ्ता मीटिंग लेके जितने कानून है उसके बारे में अवेयरनेस दे, प्लस महिलाओं और बच्चों को खास तौर से कहे कि उन्हें कैसे सुरक्षित रहना है, या उनको कभी भी कोई द्वेष भावना आपस में है या किसी पर शक है कि इसका ये ऐसा कुछ कर सकता है तो उनकी जानकारी में लाए, जिससे इस बात को होने से पहले रोका जाए। जो कुछ हुआ ये बहुत दुखद है, इसको रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करने जरूरी हैं। ग्रास रूट लेवल पे जागरूकता लाना, पुलिस को सेंसिटाइज करना और आम आदमी को भी सेंसिटाइज होना, तभी हम इन कामों को रोक सकेंगे। कानून है, कानून आपको पता ही है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक कानून बना जिसमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है, सख्त से सख्त उसे सजा देने का प्रावधान है। तो अब इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे हर आदमी का सहयोग मैं चाहती हूँ इसमें मिले, पुलिस और सरकारी कर्मचारी अपना योगदान उसमें पूरा दें और जितने हमारे सोशल वर्कर हैं, एनजीओज हैं, सोसाइटीज़ हैं, वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो सब इसमें काम। मैं ये समझती हूँ कि पुलिस लैकिंग की बात जब आती है कि जब कोई शिकायत पहले से कर दे और पुलिस को सतर्क रहने के लिए ये जो ज़रूरी है बीट ऑफिसर, ना कि वो किसी और चीज़ों की ओर ध्यान दे बजाय इसके कि महिलाओं को बच्चियों को कैसे सुरक्षित रखे, समाज में क्या हो रहा है, कौन सी गड़बड़ हो रही है, उसको वो ध्यान में रखे।